अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं उड़द की दाल, जिसको बहुत से लोग काली दाल भी बोलते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे मैंने एक कटोरी के करीब अरहर की दाल ली है और आधी कटोरी से भी कम मैंने ली है उड़द की दाल। उसको अच्छे से धुल लिया है और उसमें पानी डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट साल्ट, हाफ टेबल स्पून के करीब हल्दी इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें काट के रखी है। एक छोटी साइज की प्याज है, उसको मैंने रफली ऐसे चॉप्ड कर लिया है। दो तेज़पत्ता है वो डालेंगे और लहसुन की कलियाँ हैं दो तीन चॉप्ड करके वो रखी है। दो तीन हरी मिर्ची, ये सब हम डाल देंगे और हम इसको पैक करके जितनी देर भी हमारी दाल करती है, मैं एक सीटी आने के बाद इसको स्लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट कुक करूँगी, उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो चलिए चलिए 5 से 7 मिनट हो गया, सीटी भी निकल चुकी है, दाल भी देख लेते हैं हम। बस हमको ऐसे ही चाहिए। अब इसको हम एक मैसर से मैश कर लेंगे। यहाँ पे आपको दाल गाढ़ी लगे तो आप इसमें पानी भी ऐड कर दीजिए और उसके बाद इसको कुक कर लीजिए। अगर आप पानी ऐड करेंगे तो उसको फिर एक उबाल आने तक कुक करिए। पानी ऐड किया हुआ है तब इसको मैं थोड़ा पका लूँगी। तो दाल तो हमारी रेडी हो गई है, अब हम इसके तड़के की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक फ्राई पैन में मैंने ले लिया है राई का तेल। आप राई का तेल यूज़ करेंगे तो बहुत ही टेस्ट आता है अच्छा। जो है वो हमारा गरम हो गया। अब इसमें 1 मीडियम साइज़ की मैं कांदा डालूंगी, थोड़ा सा लहसुन की कलियां है, थोड़ा हींग है, थोड़ा ज़ीरा है और थोड़ी हरी मिर्ची है। आप चाहें तो चॉप करके डालें, मैं चीरा लगा के डाली हूँ। कांदा जो है मैंने ऐसे स्लाइस करके डाला हुआ है, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कैसा भी डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे और फिर अब हम इसमें दाल में ये जो हमने फ्राई करके सब रखा हुआ था इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून के करीब भुना हुआ क्रश किया हुआ ज़ीरा। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसको हम डाल के इसको हिलाएंगे नहीं, इसको हम पैक करके रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ी देर छोड़ने से इसका टेस्ट अच्छा आता है। हमारी जो दाल है वो बनके रेडी हो चुकी है। मैंने इसको डिस आउट कर लिया है। बहुत ही टेस्टी बनके रेडी होती है। प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।